बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम फिज़िक्स का यूनिट नंबर 2 रेस्ट एंड मोशन कर रहे हैं और उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने उन सवालों के बारे में भी सोचना चाहिए जो ज़िंदगी ख़त्म होने की पहली मंजिल पर हमारे से पूछे जाएंगे। तुम्हारा रब कौन है? और फिर जिससे रब का नाम नहीं आता, तो जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। तुम्हारा नबी कौन है? और फिर अल्लाह ने हमें कहा तुम दुनिया में मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो तो पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है। तो उस इन तीनों सवालों की तैयारी भी करनी चाहिए। तो इन तीनों सवालों के लिए कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ना चाहिए और सीरत का मुताला करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान मजीद, दूसरी मेरी सुन्नत। सो आज से तर्जुमे के साथ कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। पुट राइट ऑन द करेक्ट आंसर, चार ऑप्शन हैं, हमने जो सही है उसके ऊपर टिक लगाना है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए, कार हैज एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर सेकेंड स्क्वेयर्ड, कार हैज कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इज 75 मीटर। तो हमें पता है कि जब हम किसी स्लोप की एक्सेलरेशन लेते हैं तो ये फार्मूला लगाते हैं। अगर हम ये फार्मूला, क्योंकि जो हमारे पास ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम और स्पीड ग्राफ है, तो इसके मुताबिक जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो 1.5 मीटर सेकंड स्क्वायर्ड आती है। तो हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस के लिए हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये चार ग्राफ हैं। विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अगर आप गौर से देखें तो ए जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और बी जो है वो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो हमारे पास सी और डी जो हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी और टाइम की क्वांटिटी है। तो उसमें से सी जो है वो क्योंकि स्लोप है तो इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो सी को टिक मार्क करेंगे। डी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन स्पीड एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डीसेलरेशन। एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन असल में एक इंक्रीज इन वेलोसिटी और एक डिक्रीज है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेलोसिटी को मालूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द वेलोसिटी एट द हाइस्ट पॉइंट इज -10 मीटर पर सेकेंड, 0, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, नन ऑफ दीज। हमने पहले देखा कि जब एक चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो जब वो हाइस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो नीचे रिटर्न होती है। तो इसके लिए हम इसको 0 को टिक मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अ चेंज इन पोजीशन जो है वो डायरेक्शनल हो तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, हेयर वी विल टिक द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये MCQ इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड मोशन, तो इस हिसाब से यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर
per hour. Its speed expressed in meter per second is 10, 20, 25 or 30. हमने पहले ये पढ़ चुके हैं कि जब हम यूनिट्स कन्वर्जन करते हैं तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 × 60. तो हम 36 किलोमीटर पर आवर को 1000 बाय 60 × 60 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है 10 मीटर पर सेकेंड. तो हमने ए ऑप्शन को टिक करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रिक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड. द डिस्टेंस मूव बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज 31.25, 250, 500 मीटर एंड 5000 मीटर. हम डिस्टेंस को, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम. तो अगर हम डिस्टेंस और स्पीड को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 500 मीटर. तो हम 500 मीटर की ऑप्शन को टिक करेंगे. उम्मीद है आपको लेसन की समझ आई होगी. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.